नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ सोनिया। इस समय आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ सिरसा के सुखा चौक की। जिस तरह से आप इस समय मेरे पीछे देख रहे हैं कि विधानसभा उम्मीदवार गोकुल सेठिया जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, आपको इस समय वो यहाँ पर दिखाई दे रहे की भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। मुद्दा आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सिरसा में स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की बात की गई थी, नहरों में पानी की बात की गई थी, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लेकर के काफी बड़ी घोषणाएं भी की गई थी, जिसके चलते उस समय हो चुका है कि वो मुद्दे पूरे नहीं हुए, जिसके चलते दो दिन बाद आपको बता दूं कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आपको बोर्ड भी दिखाने की कोशिश करूंगी कैमरे के माध्यम से कि प्रगति रैली जो 29 तारीख को ओडा में रखी गई है, सिर्फ मात्र 2 दिन बचे हैं, आज 27 तारीख हो चुकी है। उससे पहले जो विधानसभा उम्मीदवार गोकुल सेठिया थे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि वो भूख हड़ताल पर आज बैठ रहे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर के कि जो मांगे सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे उनको पूरा किया जाना चाहिए। इस समय आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं सिरसा के सुरखाब, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोकुल सेठिया आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का ओडा में रैली है, प्रगति रैली है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की बात की जा रही है। उससे पहले इस तरह भूख हड़ताल पर बैठना क्या कुछ मुद्दे लेकर के आएगा या क्या कुछ सिरसा के लिए नई उम्मीद लेकर के आएगा, पुरानी बातों को दोबारा से दोहराने की बात की जा रही है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से 2 दिन पहले ऐसे धरना लगाना कितना सिरसा को और प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएगा इस प्रगति रैली से पहले जो भूख हड़ताल की जा रही है। कारण यही है मैम कि प्रगति रैली अब हो रही है, सरकार आए को 7.5 साल हो गए। पहले तो आप 7.5 साल का लेखा जोखा दो कि प्रगति तब क्यों नहीं हुई। अब इस प्रगति रैली का मतलब, आज अगर रैली होती ना सही मायने में, फौर रैली चाहिए थी। सीएम साहब रिपोर्ट कराते कि ये सरसा वालों नप के लिए करके दिया, यहाँ के MLA रिपोर्ट कार्ड उठाते कि सरसा वालों 2.5 साल के अंदर मैंने आपके लिए ये करके दिखाया, अब कहे की प्रगति रैली। क्यों समय खराब कर रहे हैं, क्यों लोगों को गर्मी में परेशान कर रहे हैं, क्या मतलब है इस प्रगति रैली का? ये जो फोटो है ये सामने बोर्ड के नीचे लगी हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो तो तुम प्रगति तुम गिना दो, क्या प्रगति सरसा में हुई है? इनको शर्म नहीं आती, सारा दिन चापलूसी करने में ये लोग लगे रहते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, लोग भाड़ में जाए इनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल इन्होंने बेशर्मी धार रखी है। मेरा अपना काम, मेरी अपनी ड्यूटी, इनको याद दिलाना कि आप क्या वायदे करके लोगों के बीच में सत्ता में आए थे और आप लोग क्या कर रहे हो। नींद से जागो, अभी भी आधा समय पड़ा है सरकार का, लोगों के काम करो। मैं वैसे नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि चाहूँ कि अगर काम नहीं होगा तो इनका ग्राफ डाउन होगा, मेरा आप होगा। लोग पागल नहीं है, लोगों को सब पता है कि सरसा के हकों के लिए शुरू से कौन लड़ता आ रहा है, और उसी बलबूते पे मैं अपना काम करता हूँ, अपनी राजनीति करता हूँ काम के सिर पे। तो मैं इनको याद दिलाता रहूँगा कि काम करो। अरे भैया सरकार वालों, फीता यहाँ के विधायक से कटा लेना, कैंची दे देना उनको कि विधायक जी फीता काट दो, कोई बात नहीं, हमें खुशी होगी। पर हमें चाहिए सरसा का विकास, सिरसा के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिरसा के अंदर जो चिट्टे के नशे की दीमक है वो खत्म होनी चाहिए। आज देखिए कितनी डकैती हो रही है सरसा के अंदर। एक आदमी तो मुझे मजाक करने लग गया, अरे कहता रात को भी धरने पे बैठोगे क्या? मैं कहा हाँ बैठेंगे। अरे कहते चिट्टे वाले बहुत हैं, देखना कहीं सामान उठा के ले जाए, कोई नुकसान ना कर जाए। ये हालात हमारे इलाके के बने पड़े। सीएम द्वारा कुछ दिन पहले यहाँ शिलान्यास से क्या मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो लोग अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं उनको अच्छी यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, क्या उनकी मांगे पूरी हो जाएगी शिलान्यास रखने से? क्या ये जो किसान खड़े हैं इनके आप चेहरे देखिए कितने मायूस हैं, पानी नहीं मिल रहा, इनका हक है, मांगना पड़ता बार बार, पानी नहीं मिल रहा, क्या शिलान्यास रखने से इनके खेतों में पानी आ जाएगा? क्या अनाउंसमेंट से यहाँ पर जो चिट्टे का माफिया है वो ख़त्म हो जाएगा, उस पर लगाम कसी जाएगी? क्या अनाउंसमेंट से जो रेडी खोखे वाले भाई हैं इनको क्या जगह मुहैया कराई जाएगी? और मैं क्या करूं बताओ,
मैं तो किसान भाइयों के मैं बताता हूँ, मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा था शुरू से। जब ये लोग काली भेड़ बोलते थे, इनको शर्म नहीं आती, मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरा कोई राजनीतिक मंच नहीं है। उस समय भी बैरियर तोड़ने के लिए हम सबसे आगे साथ शामिल होते थे, बेशक मेरे जैसे का माइक खो लिया जाता था पूरी बात सुने बगैर, मैं तो फिर भी था। क्यों था? क्यों? किसी का ब्याह नहीं मान रखा था किसी ने, वो हमारा फर्ज था किसानों के प्रति, लोगों ने वोट दिए हैं किसानों ने, वहां पे हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, वो उस हिसाब की लड़ाई भी लड़ी है, ये शांतिपूर्वक लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हम ऐसा काम नहीं करते कि रोड घेर के बैठ जाएंगे, किसी को टपने ना दें, उसका क्या फायदा, लोग हमारी परेशान होंगे। अपने अपने प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है। अब कोई व्यक्ति की कोई धर्म पत्नी अगर फास्ट रखती है तो उनको तो नहीं पता ना उसके पति की उम्र कितनी लंबी है कितनी, एक प्रयास ही होता है। तो ये तो अपना अपना एक सिस्टम है, अपना एक स्टाइल है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का, वो हम कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, पिछले एसपी थे, उनकी ट्रांसफ़र होगी शायद जैन साहब की, तो अभी बता रहे थे कि उनकी ट्रांसफ़र शायद हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, मैं उनको साहब को सल्यूट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट मैं ये चीज़ समझता हूँ कि एक स्पेशल टीम का गठन होना चाहिए यहाँ पे। मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे दिखता है कई लोग कहते हैं ये जो चौकियों वाले हैं ना, इनको चिट्टा बेचने वाले हफ्ता पहुँचाते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ जो सुनने में आता है। तो एक टीम का गठन होना चाहिए जो सीधा सीएम साहब से संपर्क में हो कि वाकई में क्या यहाँ पुलिस कर्मचारी ये काम कर रहे हैं, क्या रक्षक ही बक्षक बने पड़े हैं। तो इसके लिए कोई हाई लेवल के स्टेप उठाने पड़ेंगे, तब जाके इस चिट्टे की जो दीमक है इससे पेंडा छूटेगा। देखिए सरकार किसकी है, सरकार उन्हीं की है, अब वो किनके लिए कह रहे हैं वो तो वो ही बता सकते हैं, मैं उनके लिए क्या टिप्पणी करूँ, मैं उनकी पार्टी की या उनकी बेतुकी किसी की बातों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मेरे को सरसा के काम से मतलब है, मैंने इनसे क्या लेना, मनीष ग्रोवर है और तक वो जाने अपना उसका काम जाने, मैंने उससे क्या लेना। मैम भूख हड़ताल पहली बार बैठे हैं, दो दिन का सोचा था कि सीएम साहब आ रहे हैं उन तक मैसेज पहुंचे, लेकिन अनाउंसमेंट तो हो जाएगी, वो तो पहले भी हुई है, वो मेरे को एक कहते हैं ना तमाचा, राजनीतिक तमाचा मारने के लिए उनका यही काम है, काम नहीं करते वो, अनाउंसमेंट यहाँ के लोग करा देंगे उनको कह के जी वो तो वहाँ बैठा है, अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो अपनी रैली का नुकसान होगा, इंप्रेशन गलत जाएगा, अनाउंसमेंट से क्या होगा। हम तो निरंतर अपना महीने डेढ़ महीने बाद ये काम करते रहेंगे जब तक धरातल पे हमारे काम नहीं हो जाते। सरसा इतिहास तो वो चीज़ें रची जाती हैं जी, वो लोग रचते हैं इतिहास जो काम करके दिखाते हैं। रैली का क्या है, रैली तो आज ये इतिहास रच लेंगे, कल को कोई और इतिहास रच लेगा, काम लोगों का क्या फ़ायदा, वो उसमें कोई फायदा।